मम्मा के गाँव कहाँ पे? जब मम्मा छोटी थी ना साल में पैदा हुई थी माई। अच्छा, पैदा हुई थी जहाँ पे? कहाँ पे पैदा हुई थी? गांव में। गांव का नाम क्या है? पता नहीं। नहीं पता? गांव नहीं होता है ना। गांव नहीं होता है? अच्छा, मम्मा से पूछा नहीं कि गांव का नाम क्या है? नहीं पूछा। क्यों? मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये कैसे पता कि मम्मा क्या कर रही थी? मम्मा पैदा कहाँ हुई थी? गांव में। किसने बताया कि मम्मा पैदा हुई थी वहाँ पे? मुझे पता है। किसने बताया? मुझे खुद पता है। कैसे खुद पता है? खुद तो पता नहीं होगा, किसी ने तो बताया होगा। हैं? तो फिर कैसे पता कि मम्मा वहाँ पैदा हुई थी गांव में? वहीं गई थी तुम? नानी नहीं आई। उधर गिर जाओगी, उधर चढ़ोगी तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11, तो गुड मॉर्निंग। सुबह के तो नहीं बोल सकती हूँ, बट अभी तो मॉर्निंग का ही टाइम है, तो गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और मैं नहा के आ गई हूँ, और आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ था। तो ये देखो, मैंने बाल को ना अभी थोड़ी सी सुखा लिए हैं और अभी थोड़े गीले हैं। और अब मैं चल रही हूँ नीचे खाना बनाने के लिए, और ब्रेकफास्ट वगैरह तो मैं बिना नहाए ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता इतनी देर तक, तो सोए ही कर लेती हूँ। और अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना क्या बनाऊँगी? वही बनाऊँगी जो मैं, दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या बनाऊँ रोज़ रोज़। मेरे हिसाब से कि मेरे ख्याल से शायद हर किसी के घर की यही प्रॉब्लम है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, आज क्या खाऊँ। तो बस मैं तो खा खा के बोर हो गई हूँ, बट पेट है कि मानता ही नहीं है भूख पे रहने से। तो चल रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। और खाने में बनाऊंगी मैं क्या बनाऊँ, मैं सोच रही हूँ आलू गोभी की सब्जी बना लूँ, और चावल और रोटी बना लूँगी, क्योंकि फ्रिज में कोई सब्जी पड़ी ही नहीं है, सब सब्जी ख़त्म हो गई है। और बस बचे हुए हैं मटर और बैंगन, और बस गोभी है, और पनीर भी है। पनीर पर मुझे खाना नहीं है, पनीर मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं आलू गोभी की सब्जी बना लूँगी और चावल और रोटी। तो चलो, रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की हुई, इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगी। और पहले मैं चलती हूँ नीचे खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाने में अभी 1 घंटे कम से कम तो लगेंगे ही। और खाना बनाने के बाद आज मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है आज मुझे। और मुझे आज करीब, मैं सोच रही हूँ आज 2-3 वीडियो मैं शूट करूँ, और डिफरेंट डिफरेंट के, क्योंकि रोज़ तो ब्लॉग जाता ही है, और रोज़ तो नहीं कह सकती बट ब्लॉग ही देख रहे हो आप लोग। तो मैंने सोचा कुछ मैं नया ट्राई करूँ, तो मैं सोच रही हूँ आज 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करूँ, और उसके बाद मैं दिखाऊँगी। और वो तो अलग से जाएगा वीडियो, बट मुझे आज बहुत काम है। और कपड़े भी तो मशीन में भी धुल रहे हैं, सारे कपड़े धुल गए, बस थोड़ी सी रह गए हैं, तो कपड़े भी धोना है मुझे। और अब पहले मैं नीचे चलती हूँ, और उसके बाद मैं दिखाऊँगी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखो, मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैं इतनी गंदी लग रही है ना देखने में कि मैं बता नहीं सकती। बट इसका भी 2-4 दिन के बाद टाइम आ जाएगा बनाने का, तो बस 2-4 दिन में मैं बना लूँगी। और आज ये मैंने कुर्ता ये अली वियर की हुई है, और इसकी ना जो बाजू थी, मैंने इसको बहुत काफ़ी टाइम पहले पहना था, मैंने इसको गर्मियों में पहना हुआ था, और उसके बाद ना ये टाइट आने लग गया था मेरे, तो लगता है मुझे मैं बीच में मोटी हो गई होंगी। और उस टाइम पे मैंने इसमें स्लीव्स लगा रखे थे, बट मुझे पता नहीं स्लीव्स में बहुत मतलब टाइट हो रही थी, और वो मैं अगर उसकी सिलाई खोल रही थी तो खुल भी नहीं रहा था, तो मैंने उसको निकाल ली थी। मैंने कहा चलो झंझट ही हटा देती हूँ इसकी, और इसकी मैंने स्लीव्स निकाल ली हुई है, बट मैं इसके ऊपर डेनिम डाल लूँगी अभी, अगर मेरा मन करेगा तो। वैसे तो बहुत बाहर बहुत गर्मी हो रही है, और बस यही थी। और ये कुर्ता ना मैंने सर्दी मतलब गर्मियों में ही पहना था, जब मुझे टाइट होने लग गया था कुछ दिन के बाद, और अभी मुझे बिल्कुल फिट आ रही है। मुझे लगता है शायद मैं बीच में मोटी हो गई होंगी, और अभी तो मैं घर ठीक हो गई हूँ। और मेरे फेस देख रहे हो, मैंने स्किन केयर किया हुआ है और कुछ नहीं किया है, बस कितना ग्लो ग्लो कर रहे हैं ना ये, ऐसा लगा मैंने हाइलाइटर लगाया हो। चलो, मैंने आप लोग का 3.5 मिनट टाइम ले लिया, तो मैं चलती हूँ नीचे फटाफट जल्दी से, और मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। मम्मी नीचे मेरा वेट कर रही है, मम्मी को पहले मैं नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने नाश्ता नहीं किया हुआ है, और मैंने तो कर लिया, मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं सबसे पहले मैं ही करती हूँ घर में। चलो बाय बाय, बहुत बोलती हूँ मैं, बहुत बाय बाय।
सो गाइस, मेरा खाना बनाते बनाते ना गैस ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे जो है सिलेंडर लगा रही हूँ और मैं अपने आप लगा लेती हूँ, मुझे तो इतना तो आता ही है। और यहाँ पे जो है सिलेंडर ख़त्म हो गया था, मैंने सोचा अभी कितने दिन हुए और पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया, और हो सकता हो ख़त्म हो गया होगा। और यहाँ पे जो है देख रही हूँ मैं छोटा सा सिलबट्टा, इसे भी मैं मसाले पीसती हूँ, और मिक्सी में जल्दी मसाला नहीं पीसती हूँ। और ये जो है ना, मैं यहाँ पे मैंने सिलेंडर लगा दिया है और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ जला के कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले तो मैंने ऐसे किया कि नीचे से मैंने बंद कर रखा था, ऊपर में यहाँ पे चला रही थी। मैंने बोला हो सकता है मेरे से गलती हो गई होगी, बट नीचे से मैंने बंद कर रखा था तो मैंने नीचे से खोल के इसको जला दिया और ये काफ़ी अच्छी तरीके से लग भी गए। सो गाइस, मैं खाना पीना खा के आ गई हूँ ऊपर और मेरा सारा काम जो है फिनिश हो चुका है। और अभी बज गए हैं, बताऊँ आपको कितने बज गए? बज गए 1:30। और वैसे अभी नहीं, ये नहीं कि अभी खाना मैंने खाया है और अभी मेरा सारा काम खत्म हुआ है। काफी देर पहले ही खाना खा लिया था मैंने और काम भी खत्म हो गया था, और ऐसे नीचे बैठी हुई थी और अभी मैं आई हूँ ऊपर। और ये देखो, मैंने अपना पिटारा निकाला हुआ है आज, एक झलक दिखाऊंगी, पूरी नहीं दिखाऊंगी। मैंने अपना पूरा पिटारा मतलब निकाला हुआ है, दुकान खोला हुआ है मैंने, जिसको लेना है आ जाओ मेरे पास। तो बस यही चीज़ को अभी देख रही थी, क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है और क्या सब चीज़ निकाल रखा है। वैसे तो अभी देखती हूँ क्या क्या करूँगी, आगे आप लोग के साथ शेयर करती चलूंगी। बोलते बोलते मेरी आवाज़ धीमी हो जाती है, तो अभी मैंने ये डेनिम डाल लिया है क्योंकि ऊपर ना थोड़ी सी ठंड लगती है, नीचे इतनी ठंड नहीं लगती है, नीचे तो गर्मी लगती है और ऊपर तो पैक रहता है ना सब चीज़, इसलिए थोड़ी सी ठंड लगती है ऊपर। तो मैंने ये हल्का सा था तो मैंने इसी को डाल लिया है ये। और मैंने अभी बाल में ऑयल भी नहीं लगाया हुआ है, लगाऊंगी और चलो आप लोग के साथ जो भी है अभी शेयर करती चलूंगी। और अब ये देखो, थोड़ी सी मैंने मेकअप कर लिया है और यहाँ पे जो मैं वीडियो शूट कर रही थी, और शूट करने के बाद जो है ये मैंने थोड़ा थोड़ा जो है सामान रख दिया है और थोड़ी बहुत बच गया है और काफ़ी हद तक रख भी दिया। और ये बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने थोड़ी सी लाइनर लगा लिया है और क्रीम लगा लिया था बीबी और लक्मी का CC क्रीम लगा लिया था मैंने। और यहाँ पे जो मैं सामान भी रखने लग गई थी क्योंकि मैंने वीडियो शूट कर लिया था, तो यहाँ पर मैं रख रही थी। और मेरी अलमारी को इग्नोर करना क्योंकि बहुत मैसी हो गया है, मुझे इसको समेटना भी है। और काफ़ी हद तक तो ठीक है, इतना भी ज़्यादा मैसी नहीं हुआ है, बट मैसी हो गया है, इसको मुझे समेटना है 2-3 दिन में। और यहाँ पे जो है सारे मैं चूड़ा निकाला था मैंने, तो मैं चूड़ा यहाँ पे रख रही हूँ। ये 2 चूड़ा हैं, ये अलग अलग हैं, तो इनको मैं रख रही हूँ। और बहुत मैसी हो गया थी मेरी अलमारी भी, चूड़ियों के भी और ये मतलब कपड़े वगैरह के भी हो गए थे। और मैं यहाँ पे देख रही थी, पता नहीं मैं मतलब मैंने कैमरा ऑन किया है कि नहीं किया है, तो मैं ये देख रही थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सारा सामान रख दूँगी क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी और काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो फाइनली तो कर ही तो लिया। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत तो मेहनत लगती ही है किसी चीज़ को करने में। और मेरे बाल को भी इग्नोर करना क्योंकि ना मैंने यहाँ पर जो है ना हेयर वॉश किया था मैंने स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने बताया, तो हेयर वॉश किया था तो मैंने ऑयलिंग नहीं किया था ना, मैंने अच्छे से बाल मतलब सेट किए हुए थे। और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ हल्के हल्के ग्रीन वाले चूड़ा, और ये जो है ना मैंने चूड़ा मतलब जो रेड वाले पहन रखे थे उसको मैंने निकाल दिए हैं। और मैं यहाँ पर एक एक कांच की चूड़ी आगे मैं डाल लूँगी और ये ग्रीन वाले चूड़ा डाल दिए। मैंने बोला कुछ तो डिफरेंट किया जाए, रोज़ रोज़ तो रेड ही है। तो बस यहाँ पर जो मैंने चूड़ा पहन लिया है और इसमें से आधी चूड़ा मैं इसको रख दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं थोड़ी थोड़ी पहन रही हूँ क्योंकि फिर ना मेरे हाथ में ना खुजली होने लगती है, जैसे पानी वगैरह में हाथ मेरा चला जाए और वो अच्छे से ना पूछ पाए ना पानी को, तो मेरे हाथ में खुजली होने लगती है और दाने भी निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो अपने ड्रेसिंग में सारे जो है चूड़ियों को अच्छे तरीके से रख दूंगी। तो चलो आगे बातें करते हैं। सो गाइस, आई बज गए 4, मैं आप लोग का टाइम का अपडेट देती जा रही हूँ। बज गए 4 और मैंने आज जो सोचा था आज वो मेरा काम पूरा हो गया। मैंने सोचा था, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैंने 24 या 25 को मैं 2 या 3 वीडियो में शूट करूंगी, तो फाइनली वो मैंने कर लिया है। और करने के बाद क्या हालत होती है सामानों की, मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ क्या हालत होती है। वैसे तो मैंने बहुत सारा सामान जो है समेट के रख दिया है, बट बहुत सारा सामान जो है रह गया है और मैं काफ़ी थक गई हूँ। आज 4 बज गए हैं और अभी बैठी हुई हूँ मैं, वीडियो जस्ट मैंने अभी एंड किया है तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको मेरी रूम की क्या हालत हो गई है। वैसे तो बहुत कम अभी ठीक है अभी, बट मैंने बहुत सारा सामान रख दिया। और ये देखो, दिख रहा है आपको,
ये देखो उधर उधर इधर इधर मैंने ये पूरा सामान जो फैला कर रख दिया, और कुछ तो मैंने यहाँ पे समेट के रख भी दिया है और कुछ जो है यहाँ पे भी फैला पड़ा है और इसको मुझे भी समेटना है। आज तो मैंने जो काम मैं सोच रही थी फाइनली वो मैंने कर लिया है। बहुत अच्छा लगा आज करके, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं वीडियो दो तीन वीडियो मैं शूट करूँ करूँ एक साथ करूँ, बट नहीं हो पा रहा था। फाइनली आज मेरा काम जल्दी हो गया था तो मैंने सोचा मैं स्टार्ट करती हूँ, आज सोऊंगी नहीं। वैसे तो मैं 1-2 घंटे दिन में आराम करती हूँ, अगर आराम ना करूँ ना तो शाम को मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा। और वैसे तो नींद तो आती नहीं, बस मैं लेट जाऊँ ना तो मेरा जो है शरीर हल्का हो जाता है। वैसे अगर मैं ना लेटूँ ना 1-1.5 घंटे तो बहुत ज़्यादा शाम को ना अजीब सा लगता है, और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है मैं पूरे दिन मैंने ऐसा लग थका थका सा बहुत अच्छा फील नहीं करती हूँ। मतलब सिर में बहुत ज़्यादा भारी भारी से होने लग जाता है, बहुत पेन होने लग जाता है। इसलिए जो है अब तो बच गए हैं 4, और मैं सोच रही हूँ 1/2 घंटे अभी यहीं पे बैठे बैठे मैं आराम कर लूँगी लेटे लेटे, और इसको जो है समेटूंगी मैं बाद में। और मैंने सोचा कि अब आप लोग को अपडेट देती जाऊँ आज पूरे दिन का कि मैंने क्या किया कब किया नहीं किया, तो इसलिए मैं आप लोग को टाइम भी साथ ही साथ बताते चलते जा रही हूँ। और ये देखो ये रिंग है ना ब्लैक वाली, ब्लैक एंड गोल्डन में है, गोल्डन तो नहीं है, हाँ गोल्डन ही आई थिंक। और इसको ना मैंने 2-3 दिन पहले जब मैं मार्केट गई थी, जब आप लोगों ने लास्ट वाला जब ब्लॉग देखा है अभी जो गया था मेरा ब्लॉग, उसमें मैंने आप लोग को बताया था ना मैं मार्केट गई थी, तो मैं यहाँ वहाँ से एक जो एक ये वाली इयरिंग लेके आई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और हल्की सी है, छोटी सी है। वैसे आप लोग देख रहे हो कि मेरे कान के छेद जो है दोबारा बड़े हो गए हैं, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ इयरिंग कभी कभी, नहीं कभी कभी पहन लेती, जैसे बाहर वगैरह जाऊँ तो पहन लेती हूँ और वैसे नहीं पहनती हूँ। तो आज मैंने जो है पहन लिया क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था इसीलिए। का वैसे तो हर ब्लॉग में तो ऐसे भूतनी से बनी ही रहती हूँ, आप लोग देखते ही हो, बट मैंने सोचा आज थोड़ा सा जो है मेकअप सेकअप किया जाए। मेकअप तो कुछ भी नहीं है, बस लिपस्टिक बिंदी सिंदूर, सिंदूर तो मैंने है ही यार, और मैंने बस आज आईलाइनर लगाया हुआ घर पे। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब कभी बाहर जाती हूँ जब भी मैं लाइनर लगाती हूँ, और वैसे तो मैं रेयरली कम बहुत ज़्यादा कम लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत कम लगाती हूँ मैं। वैसे मुझे बहुत पसंद है, बट ये होता है ना कि अगर इसको लगा लो ना तो मेरे 2 दिन तक आँख ना ऐसे काली काली सी लगती है, ऐसे लगता है जैसे ना क्या बोलती हूँ उसको डार्क सर्कल हो गए, हाँ भूल गई थी, डार्क सर्कल सा लगने लग जाता है, बोल रही हूँ ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक से दिखता है, इसलिए मैं जल्दी लगाती नहीं हूँ। तो मैंने आज लगा लिया है ये देखो, तो बस यही था, मैंने सोचा आप लोग को अपडेट देती जाऊँ। अब थोड़ी सी मैं आराम कर लेती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और आप लोग को दिखाया ही मैंने रूम की हालत मेरी क्या हो गई है। तो चलो बाय बाय।